अपने क्लासमेट्स, अपने साथ काम करने वालों, अपने इंस्ट्रक्टर्स या अपने सीनियर्स या किसी के साथ भी किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। आपको एक दूसरे के प्रति विनम्र होना है, यही एक अच्छे टाइकोंडो प्लेयर या प्रैक्टिशनर की पहचान है। आपको दूसरों की चीज़ों का, उनकी बातों का उतना ही सम्मान करना है जितना आप अपनी कर सकते हैं। किसी भी मैटर को, किसी भी मसले को हमेशा निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ संभालें। अगर आपको कभी भी किसी पर डाउट है या कभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किसी से भी गिफ्ट, प्रेजेंट या ब्राइब ना लें, ना ही दें। हमें हमेशा इस टैलेंट को अपने अभ्यास में लाना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ना सिर्फ टाइकोंडो के दौरान, ना सिर्फ किसी फाइट के दौरान या फिर ना सिर्फ किसी क्लास में, बल्कि अपने नॉर्मल लाइफ में भी, अपने सामान्य जीवन में भी इस टैलेंट को अपनाइए। और ख़ास तौर पर जब आप एक प्रशिक्षक हैं, एक इंस्ट्रक्टर हैं, क्योंकि कभी भी आपकी क्लास में कोई भी एंटर करेगा, कोई भी स्टूडेंट एंटर करेगा, वो सबसे पहले इसी चीज़ को देख के प्रभावित होएगा कि आप अपने जूनियर्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, या फिर आपके स्टूडेंट्स आपको किस तरह से कर्टेसी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, इससे भी बेहद प्रभावित होंगे। और आप धीरे धीरे इसे अप्लाई करना शुरू कीजिए, अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए, आप खुद ही फ़र्क देखने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कर्टेसी का टैलेंट आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। आप दूसरों से भी रिस्पेक्ट पाने लगेंगे इस टैलेंट को उपयोग करते करते। तो दूसरों को कर्टेसी के साथ ग्रीट कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, बदले में आपको अच्छा व्यवहार ही मिलेगा। आपको सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो आप उसे मान लें और उस पर सुधार करने की, उस पर विचार करने की कोशिश करें। अब कुछ हम ऐसे उदाहरण देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो इंटेग्रिटी की कमी को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हैं या प्रशिक्षक हैं, तो कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी कला का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने मतलब या लोग के लिए अपनी कला को किसी को ना सिखाएं। एक इंस्ट्रक्टर को खुद अपनी कला को गलत तरीके से प्रेजेंट करना कभी नहीं चाहिए। अगर ज्ञान की कमी के कारण, किसी नॉलेज की कमी के कारण आप किसी को गलत तरह का अभ्यास करा रहे हैं, गलत तरीके से सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, किसी भव्य आकर्षक इंट्रैक्टिव सी जगह, किसी या फिर किसी और लालच के आड़ में अपने स्टूडेंट्स को गलत प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत कीजिए, स्टॉप दैट। विद्यार्थी अपने शिक्षक से, अपने प्रशिक्षक से या फिर इंस्ट्रक्टर से किसी भी तरह की पद की मांग करता है, किसी रैंक की मांग करता है या उसे खरीदने की कोशिश करता है, तो फिर ये बिल्कुल भी गलत है, ये इंटेग्रिटी के बिल्कुल भी ऑपोजिट है। अगर एक स्टूडेंट अपने अहंकार या ताकत को दिखाने के लिए किसी पद का प्रयोग करना चाहता है, किसी रैंक को यूज़ करना चाहता है, अपने नेम को यूज़ करना चाहता है, तो ये भी सरासर गलत है। अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहना, हमेशा ईमानदार रहना कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आप टाइकोंडो के दौरान अगर ईमानदार रहेंगे, अपनी क्लास के दौरान अगर ईमानदार रहेंगे, अपने स्टूडेंट, अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ ईमानदार रहेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने निजी जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको महसूस करेंगे और एक डिफरेंस फील करेंगे। ये भी आपके जीवन में, अपनी आपकी लाइफ में झलकने लगेगा। सब्र ही हमें गुणों और योग्यता की ओर लेके जाता है। पेशेंस लीड्स टू वर्च्यू और मेरिट। कुछ हासिल करने के लिए, चाहे वो बड़ी चीज़ हो या फिर कोई आर्ट में आपके परफेक्ट होना है, हमें एक लक्ष्य बनाकर उस पर कंटिन्यूसली परस्पर प्रयास करते रहना चाहिए। टाइकोंडो का एक अच्छा निरीक्षक बनने के लिए, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहस्य, सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं, उनमें से ये एक है,
जो है अपने मार्ग की बाधाओं को दृढ़ता से दूर करना, अपने सामने आने वाले हर ऑब्स्टिकल हर मुश्किल का सामना करना। एक टाइकोंडो के स्टूडेंट को इस सिद्धांत या इस तरह को अपने ट्रेनिंग के दौरान अपनाना चाहिए और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आप बिलीव कीजिए इस बात पर, चाहे वे 2-3 घंटे रोज किसी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी ग्रेड टेस्ट या बैड टेस्ट के लिए, या कोप या डेंट के किसी भी तरह के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो इसमें दृढ़ता जरूरी है। जितना दृढ़ निश्चित आप रहेंगे, जितना आप ठान कर उस पर काम करेंगे, जितनी लगन से काम करेंगे, आप यकीन मानिए आप ज़रूर अपने गोल को हासिल करेंगे। दोजांग के अंदर या दोजांग के बाहर कभी भी आपको अपना काबू नहीं खोना है, अपना सेल्फ कंट्रोल में रहना है। किसी भी फाइट के ड्यूरेशन में, किसी भी फाइट के दौरान अगर आप अपने पर काबू खो देते हैं, तो फिर ये दोनों पक्षों के लिए, दोनों पार्टीज के लिए हानिकारक हो सकता है, आपके ओपोनेंट के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। टाइकोंडो के सभी स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर्स को हमेशा ये सिखाया जाना चाहिए और सिखाया जाता भी है कि टाइकोंडो एक सेल्फ डिफेंस की कला है। इसका गलत इस्तेमाल कभी ना करें, ना किसी फाइट में, ना फिर अपने जीवन में, अपनी नॉर्मल लाइफ में। आप इसका यूज़ तभी कीजिए फाइट के अलावा जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और आप अपने आप को किसी से बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, डिफेंस करना चाहते हैं, तब आप टाइकोंडो के आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में लाएंगे और इस टेनेट या इस सिद्धांत को अपने लाइफ में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये आपके लिए समझना इसे और भी सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आप इसके इम्पोर्टेंस को ईजीली समझ पाएंगे। आप अगर टाइकोंडो के स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर हैं तो आपके लिए सरल और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को कभी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपका सामना अन्याय के खिलाफ हो रहा है या फिर किसी गलत चीज़ के खिलाफ आप खड़े हैं, तो वहां बिल्कुल भी डरे और झिझके बिना अपना पॉइंट रखिए, अपनी बात को आगे रखिए और देखिएगा आप ज़रूर जीत हासिल कर लेंगे। जैसा कि इतिहास गवाह है, जो लोग अपने सपने और लक्ष्य को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वे कभी भी नहीं हारते हैं और ना ही कभी मात खाते हैं। तो अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अगर एक टाइकोंडो के इंस्ट्रक्टर को जीवन में या फिर टाइकोंडो के प्रैक्टिशनर को कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इस तरह को अपने जीवन में उतार लें। इंडोमिटेबल स्पिरिट की भावना होना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसके मॉरल वैल्यूज़ के लिए, उसके मॉरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है।